हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में से एक कंप्लीट टैक्स इनवॉइस किस प्रकार से तैयार करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड इंटरव्यू के दौरान काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि हमें कौन से लेजर पर GST इनेबल करना होता है, ईवी बिल क्या चीज़ है किस कंडीशन में बनता है, ई इनवॉइस क्या चीज़ है किस कंडीशन में बनता है, HSN कोड क्या चीज़ है, 4 डिजिट तक HSN कोड हमें किस कंडीशन पर रखनी होती है, 6 डिजिट की HSN कोड हमें किस कंडीशन पर रखनी होती है। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू के दौरान भी पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि अगर हमें टेली सॉफ्टवेयर में से एक कंप्लीट टैक्स इनवॉइस अगर हमें तैयार करना पड़े तो हमें कौन कौन सी फीचर्स को इनेबल करना होता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वाउचर एंट्री के दौरान सेल वाउचर की एंट्री तो कर देते हैं लेकिन वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारा डाटा हुआ वो हम मिस कर देते हैं। तो हमें सेल वाउचर की एंट्री करने से पहले कौन कौन से फीचर है जो इनेबल करने होते हैं GST से रिलेटेड। अगर आपके सॉफ्टवेयर में अगर आपने एक कंप्लीट टैक्स इनवॉइस तैयार कर दिया तो जो हमारी GST की रिपोर्ट्स है, जैसा कि GSTR1, GSTR3B की रिपोर्ट्स, या फिर एनुअल की बात करें तो GSTR9 या 9C, तो ये सारी रिपोर्ट्स हमारी बिल्कुल ओके तैयार होगी, एरर फ्री तैयार होगी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले वाउचर एंट्री पे नहीं जाना है। वाउचर एंट्री करने से पहले जैसे हम इस टेली के होम पेज पे आएंगे, गेटवे ऑफ टेली पे, तो सबसे पहले आपको F11 बटन प्रेस करना है, यानी कि हमारी GST की सेटिंग से रिलेटेड। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा GST का, तो हमें GST के ऑप्शन पर यस करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देख लेना है कि जो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो एक तो एक्टिव रहना चाहिए, ये इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, सेकंड बात। उसके बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन टाइप है, अगर आपकी कंपनी रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि आपकी कंपनी टैक्स इनवॉइस के ऊपर GST टैक्स है जो चार्ज करती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको रेगुलर यहाँ पर होना जरूरी है। आपकी जो भी कंपनी है उसके कंपनी का जो GST नंबर है वो GST नंबर यहाँ पर मेंशन होना जरूरी है। उसके बाद में बात आएगी भी GSTR1 की डिटेल्स। अगर ये आपकी GSTR1 यानी कि टर्नओवर अगर आपकी कंपनी की 5 करोड़ से ज्यादा की है तो आपको मंथली यहाँ पर रखना पड़ेगा, आपको क्वार्टरली से हटा के मंथली रखना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा की है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको यहाँ पर जो हमारी ई इनवॉइस से रिलेटेड जो डिटेल आ रही है इसको आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल इसको आपको यहाँ से ओके करना होगा, यस करना होगा। उसके बाद में एप्लीकेबल फ्रॉम जो भी आपकी डेट है जिस तारीख से, यानी कि अगर आपका पिछली फाइनेंशियल ईयर से 5 करोड़ तक की ग्रोथ हो चुकी है तो यहाँ आपको 1 अप्रैल 2023 है जो रखना पड़ेगा। उसके बाद में इनवॉइस की बिलिंग फ्रॉम कहाँ से रखोगी, जो भी आपका स्टेट है और जो भी जिस लोकेशन पे भी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है वो आप अपना एरिया का नाम यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद में ईवी बिल भी आपको जरूरी है तो ईवी बिल को भी आपको एप्लीकेबल रखना पड़ेगा। एंटर प्रेस करते हैं हम इस वाउचर को, विंडो को एक्सेप्ट करेंगे और कंट्रोल ए के साथ इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये सेटिंग आपके लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं लेजर बनाने की। तो अब मान लीजिए हम सेल लेजर तैयार कर रहे हैं तो सेल लेजर के लिए हमें सबसे पहले सेल्स वाउचर का लेजर क्रिएट करना होता है। क्रिएट पर हम जाएंगे, लेजर पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम एक सेल का लेजर है जो क्रिएट करते हैं। सेल GST आपके पास परसेंटेज वाइज कुछ भी हो सकती है, 5% की सेल, 12, 18, 28 कुछ भी हो सकती है। और ये सेल काउंट है तो हम इसको यहाँ पे ग्रुप में रखने वाले हैं सेल्स काउंट। तो ये जो सारी GST से रिलेटेड जो भी डिटेल आई है ना, ये आपकी उसी कंडीशन में आएगी जब आपने F11 में GST के दौरान एक्टिव किया होगा। और उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आएगा GST एप्लीकेबल, तो आपको यहाँ पर GST को एप्लीकेबल रखना है। और यहाँ पर HSN डिटेल वगैरह आपको एज पर कंपनी और GST रिलेटेड से जो डिटेल है HSN से और GST रेट से एज पर कंपनी देने हैं। और उसके बाद में गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं यानी कि
प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो गुड्स रखेंगे, और उसके बाद में सेट अल्टर जो अदर स्टेटरी डिटेल है इसको आपको नो ही रहने देना है। एंटर प्रेस करते हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे। इस तरीके से आपने एक सेल का लेजर क्रिएट कर लेना है। उसके बाद में हमें टैक्स लगाने की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमें सीजीएसटी टैक्स, एसजीएसटी टैक्स, अगर आप आउट ऑफ स्टेट सेल कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको आईजीएसटी टैक्स का भी लेजर है जो क्रिएट करना होगा। तो मेरे पास ये दो टैक्स ऑलरेडी क्रिएट है, तो मैं आपको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। एल्टर पे जाके लेजर पे जाऊंगा, मैंने एक सीजीएसटी टैक्स का लेजर बनाया हुआ है, इसका ग्रुप आपको रखना होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। देन आपको टाइप ऑफ ड्यूटी के अंदर यहाँ पर जीएसटी सिलेक्ट करना है, और जैसे हम जीएसटी सिलेक्ट करेंगे तो जीएसटी के बाद आगे पूछेगा किस टाइप का टैक्स है, तो ये हमारा सीजीएसटी टैक्स है, तो हम इसको सीजीएसटी टैक्स के अंदर सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं रखना है, और उसके बाद में जीएसटी अगर आपके पास टीडीएस एप्लीकेबल कर रखा है तो आप इसको एक बार नॉट एप्लीकेबल रखोगे। एंटर प्रेस करते हैं, इन वाउचर को सेव करेंगे। सेम इसी तरीके से एसजीटी टैक्स का आपको लेजर क्रिएट करना है, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, टाइप ऑफ ड्यूटी आपको जीएसटी सिलेक्ट करना है, और टैक्स टाइप के अंदर आपको यहाँ पर एसजीटी टैक्स है जो सिलेक्ट करना है, बाकी सेम हमारा वही ऑप्शन रहने वाला है। एंटर प्रेस करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने सेल का लेजर और टैक्स का लेजर क्रिएट कर लिया। अब हमें उस कस्टमर का भी एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जिनको हमें प्रोडक्ट है जो सेल करना है। अब हम एक कस्टमर का लेजर यहाँ पर क्रिएट करते हैं। क्रिएट पे हम जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, मान लीजिए हमने ले दिया मिस्टर एक्स, तो अब ये हमारे लिए कस्टमर है, हम इनको रखेंगे सैंडरी डेटर्स में, और उसके बाद में मेंटेन्स बैलेंस बिल बाय बिल इसको आप ऐसा रख सकते हो। उसके बाद में सारी डिटेल्स आपके सामने रहेगी, स्टेट आपको विशेष कर देना है, जो भी आपका कस्टमर रहेगा उसका स्टेट, क्योंकि इसी के आधार पे आपका ई इनवॉइस है, ई वी बिल है, और जो जीएसटी टैक्स है वो लगना होगा। राजस्थान सेलेक्ट करेंगे, उस एरिया का आपको पिन कोड भी यहाँ पर देना होगा। उसके बाद में पैन नंबर, अगर ये पार्टी रजिस्टर्ड है यानी कि रेगुलर में है, इनके पास भी जीएसटी नंबर है तो इनके पास पैन नंबर भी होगा, तो पैन नंबर आपको जरूर लेना होगा। अगर ये कस्टमर रेगुलर है तो इसको यहाँ पे रजिस्टर्ड टाइप के अंदर में इसको रखेंगे रेगुलर, और यहाँ पर इसका जीएसटी नंबर देंगे। अगर इनके पास में जीएसटी नंबर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन टाइप है उसको हम रखेंगे अनरजिस्टर्ड यानी कि कंज्यूमर में। एंटर प्रेस करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा कस्टमर का लेजर अभी क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं, हमें स्टॉक आइटम भी क्रिएट करनी पड़ेगी, एक हम स्टॉक आइटम भी क्रिएट करते हैं। क्रिएट पे हम जाएंगे, स्टॉक आइटम पर जाएंगे, और यहाँ पर हम एक आइटम ए के नाम से हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर इसका जो अंडर ग्रुप है वो ग्रुप आप अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी के अनुसार जो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में इसकी जो सब कैटेगरी है वो भी आप इसकी रख सकते हो। यूनिट ये किस में रहेगा, तो यूनिट आपको यहाँ पर क्रिएट करने होते हैं, जैसे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है पीसेस, तो आपको यहाँ पर पीसेस का आपको बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर इसकी जो यूकेसी कोड है यानी कि यूनिट क्वांटिटी कोड, ये आपको इस लिस्ट में से जरूर सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर रखूँगा इसको पीसेस में, और नंबर ऑफ डेसिमल है जो पीसेस की कंडीशन के अंदर जीरो रहता है, और उसके बाद में अल्टरनेट यूनिट इसकी कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट वाइज यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट बैच वाइज डिटेल अगर एक्सेप्ट करती है, इनको यूज करती है, तो आपको इन ऑप्शन को भी यस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इनको स्किप कर सकते हो। उसके बाद में आ जाएगी स्टेटरी डिटेल्स के अंदर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी, तो अब ये इसके ऊपर हमें रखेंगे, इसको दो ऑप्शन मिलेंगे, एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल, तो जीएसटी हमें लगाना है तो इसलिए प्रोडक्ट के हम एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर जो आयकर डिटेल एचएसएन, ये एचएसएन कोड आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ पर आपको एज पर कंपनी या स्टॉक ग्रुप नहीं रखना है, यहाँ पर आपको स्पेसिफाई डिटेल हेयर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एचएसएन कोड देना है। अब ये एचएसएन कोड आप इनवॉइस को देख के कर सकते हो, या फिर आप जीएसटी की साइट पे जाके भी इसको सर्च है जो कर सकते हो। अब आपके पास डिटेल आएगी, ये एचएसएन कोड आपको यहाँ पर कितने डिजिट के अंदर मेंटेन करना है, तो अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो ये 4 डिजिट तक रहता है,
अगर 5 करोड़ से ज्यादा किए तो ये 6 डिजिट के अंदर HSN कोड है जो रहता है। मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 5 6 कहकर HSN कोड दे दिया। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन आपका क्या रहेगा कि जो भी आपकी आइटम है जिससे रिलेटेड है वो हम रखेंगे। अब मान लीजिए हमने इसको लिख दिया एज पर कॉस्मेटिक्स, और उसके बाद में GST का जो टैक्स रेट है वो भी हम यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स के अंदर हेयर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में टैक्सेबल टाइप क्या रहेगा, ये टैक्स फ्री है या टैक्सेबल है या नील रेटेड है या नॉन GST है, तो ये टैक्सेबल प्रोडक्ट है इसको हम टैक्सेबल रखेंगे। उसके बाद में GST का रेट पूछा जाएगा भी इसके ऊपर कितना परसेंट का GST लगेगा, तो हम 12% इसका GST लगा के चलेंगे। एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज इसके ऊपर होता नहीं है तो हम इसको नो रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाईज के अंदर ये हमारा गुड्स है तो गुड्स रखेंगे, एंटर प्रेस करते हुए हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमने क्रिएट कर ली। अब हम वाउचर पे चलते हैं और हमें सेल वाउचर का यूज करने के लिए हम F8 बटन हम यूज करेंगे, और यहां पर आपका जो टैक्स इनवॉइस नंबर बनेगा वो नंबर यहां पर आएगा, उसके बाद में डेट और उसके बाद में पार्टी नाम। अब यहां पर हमने मिस्टर एक्स का एक लेजर क्रिएट किया था तो वो लेजर आपका यह आ जाएगा। अब उसके बाद में ये सारी डिस्पेस से डिटेल की जो डिटेल है ये इंफॉर्मेशन आपको यहां देनी होती है। अगर ये विंडो आपके सामने नहीं आई जिससे हम पार्टी लेजर पे एंटर प्रेस करते हैं और ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं आती है तो आपको F12 बटन प्रेस करना है और उसके बाद में ये डिटेल आपके सामने यहां रहेगी प्रोवाइड बायर्स डिटेल के बारे में। तो इन सभी ऑप्शन को हम यहां से यस करेंगे। प्रोवाइड डिस्पेस ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल है इसको भी आप यस कर सकते हो। एंटर प्रेस हम करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब डिस्पेस डिटेल के थ्रू हमारा जो डिलीवरी का नंबर है वो आपको यहां पर देना पड़ेगा, जो भी आपका नंबर रहेगा। उसके बाद में डेट, डिस्पेच का डॉक्यूमेंट नंबर क्या रहेगा, डिस्पेच थ्रू किसके थ्रू हो रहा है, हमने कह दिया भी भाई ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में जो भी आप किसकी डेजिग्नेशन है वो क्या रहने वाली है वो डिटेल यहां पर हम रखेंगे भाई ट्रक। उसके बाद में जो भी आपका कैरियर नेम एजेंट नंबर है ट्रांसपोर्टर का नाम भी यहां पर हम लिख सकते हैं। और उसके बाद में विल, जो आपकी बिल्टी का नंबर है ट्रांसपोर्टेशन के डिटेल का नंबर वो यहां पे हम लिखेंगे। कौन सी डेट को बन रहे हैं, मोटर व्हीकल नंबर के, वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहां डालने वाले हैं। और उसके बाद में ऑर्डर से अगर डिटेल, अभी ऑर्डर नंबर आपका क्या था तो ऑर्डर नंबर यहां पे लिखोगे। टर्म ऑफ पेमेंट्स क्या रहेगी, हमने कह दिया भी भाई कैश पेमेंट रहने वाली है। अदर रेफरेंस टर्म्स ऑफ डिलीवरी हमने कह दिया 1 डे, यानी कि 1 दिन के अंदर ये डिलीवरी रहेगी। एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद में पार्टी की डिटेल्स, अगर आप इसको फुल डिटेल के साथ और लिखना चाहते हो कि मिस्टर एक्स के नाम से तो ये बिल बनेगा, अगर यहाँ पर पार्टी डिटेल्स अगर आप अदर लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया सुमित कुमार भी, इसको आगे कौन हैंडल करेगा, जो उतारने वाला बंदा कौन सा है, उसकी सारी डिटेल्स भी, कौन इसको आगे पहुंचने के बाद इसको टैकल करने वाला है, तो वो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर सारी लिख सकते हैं। उसके बाद में हमने आइटम ए क्रिएट किया था आइटम ए के नाम से, और यहाँ पर आपके पास में एक्चुअल क्वांटिटी हमने लिख दिया 1 पीसेस, और यहाँ पर आ जाएगा रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, यानी कि विद टैक्स रेट ये क्या रहेगा। हमने कह दिया भी ये टैक्स रेट विद टैक्स 500 रुपए का है, तो इसका जो टैक्सेबल रेट है वो ऑटोमेटिक बन के यहाँ पर आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे। और अभी हमने एक सेल का जो लेजर यहाँ पे क्रिएट किया था, सेल GST 12% का, वो लेजर यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो GST से रिलेटेड जो हमने स्टॉक आइटम के अंदर इंफॉर्मेशन दी थी वो इंफॉर्मेशन यहां पर आ जाएगी आपके सामने। तो यहां आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप इसको चेंज करना चाहो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको एंटर प्रेस करते हुए आगे जा सकते हो। उसके बाद हम टैक्स यूज करेंगे CGST टैक्स और SGST टैक्स। तो ये CGST टैक्स और SGST टैक्स है ना, ये आपका उसी कंडीशन में काम करेगा अगर आपने अपने कस्टमर का स्टेट दिया होगा तो। और उसके बाद में ये हमारी जो इनवॉइस की वैल्यू है ये 500 रुपए की आ गई। अगर आप जो 1 पैसा हमारा ऊपर जो बन रहा है इसको अगर हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो हम इसको राउंड ऑफ भी यहां से कर सकते हैं। तो हम यहां पे इसका
राउंड ऑफ का एक लेजर यहाँ पर क्रिएट होता है। आपको मैं किस तरीके से बनेगा, हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इसको ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, जो टाइप ऑफ लेजर, अगर आपने यहाँ पे कर दिया इसको इनवॉइसिंग राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, ए करोगे, तो इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पर अमाउंट से जो लिखने की जरूरत नहीं है, जितना राउंड ऑफ करना होगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पर राउंड ऑफ कर देगा। एंटर प्रेस करते हैं हम इसको। न्यू रेफरेंस किस लिए है, क्योंकि हमारा ये दो नंबर इनवॉइस है, जो भी यहाँ पर इनवॉइस का आपका नंबर रहेगा वो इनवॉइस नंबर यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद में ड्यू डेट क्रेडिट डेज, यानी कि कितने दिनों तक आप इसको ये क्रेडिट के अंदर क्रेडिट में गुड्स है जो दे रहे हो, हमने कीजिए 5 days, तो यहाँ डेट आ जाएगी 6 जनवरी 2024, यानी कि ये 6 जनवरी तक इसकी पेमेंट है जो हमें रिसीव होनी चाहिए। एंटर प्रेस करें, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसका जो टैक्स इनवॉइस बना दिया। ये तो था हमारा एक अनरजिस्टर्ड का टैक्स इनवॉइस। अगर हमारा सेम ये एक इनवॉइस हम बनाते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, और उसका हम नाम लिखते हैं मिस्टर वाई, और ये हमारा सैलरी डेबिटर से रहने वाला है, उसके बाद में स्टेट को, इसका स्टेट यहाँ पर एड्रेस रहेगा, क्योंकि इस एड्रेस के अंदर क्या रहेगा, जो हमारी इसकी प्रॉपर डिटेल्स है वो इनवॉइस के अंदर साथ में जो प्रिंट हो के आएगी, जिसे हमने यहाँ पे लिख दिया बिशोप नंबर 123, जो भी इसका एरिया रहने वाला है, और उसके बाद में इसका पिन कोड, ये कंपलसरी है ईवी बिल और इनवॉइस के पर्पज से। अब ये रेगुलर पार्टी है, और यहाँ पर हम इसको रखेंगे जीएसटी का नंबर इसका, आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद में सेम वही ऑप्शन आपके सामने डिस्पेस के रिलेटेड जो डिटेल्स रहेगी वो हम यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर इसका बिल्टिस नंबर, डेट यहाँ पर आ जाएगी, व्हीकल का नंबर यहाँ पर हम डाल देंगे, उसके बाद में ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल, और बाकी इंफॉर्मेशन आपकी वहां से अकाउंट से उठा लेगा। एक्सेप्ट करेंगे इसको। उसके बाद में जो हमारी स्टॉक आइटम है, आइटम ए हमने क्रिएट करी थी, अब इसकी एक क्वांटिटी हम लेते हैं। अब इसकी क्वांटिटी मान लीजिए हमने यहाँ पर ले ली 60,000 रुपये की। अब इससे क्या होगा, जैसे हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे और सेल का लेजर हम यहाँ पर एक्टिव करेंगे, तो आप देखोगे एक नीचे एक ऑप्शन आ गया, वी प्रोवाइड जीएसटी ईवे बिल एंड ईवे इनवॉइस के लिए डिटेल ऑप्शन आ गया। एंटर प्रेस करते हैं, सीजीएसटी टैक्स हम लगाते हैं, एचटी टैक्स भी हम लगाते हैं। उसके बाद में प्रोवाइड जीएसटी डिटेल पे जैसे हम इसको यस करेंगे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे से मांगेगा ईवे बिल से रिलेटेड, यानी कि आपका इनवॉइस है जो 50,000 रुपये से ज़्यादा का जा रहा है तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा, और ये एक रजिस्टर्ड पार्टी है तो इसके लिए आपको ई इनवॉइस है वो भी बनाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ईवे बिल और ई इनवॉइस, हमें अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो 50,000 से की ज़्यादा का वैल्यू का है तो आपको ईवे बिल भी बनाना जरूरी है। अगर आप किसी रजिस्टर्ड पार्टी को, यानी कि रेगुलर कस्टमर को आप गुड्स जो सेल कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ई इनवॉइस भी बनाना जरूरी है। अब ये ईवे बिल और ई इनवॉइस कैसे बनते हैं, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, आप उसको भी देख सकते हो। तो वो सारा जो भी हमारा ई इनवॉइस बनता है उसकी डिटेल हमारी यहाँ रहती है, और उसके बाद में जिस तारीख को डेट बनाए, डिस्पेस फ्रॉम कहाँ हो रहा है और शिफ्ट टू ये कहाँ होगा है, वो डिटेल्स हमारी। वैसे ये बाय डिफॉल्ट आपका ई इनवॉइस है ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में आपका जो ट्रांसपोर्टर नाम है उसका क्या नाम है, वो डिटेल्स आ जाएगी। ट्रांसपोर्टर की आईडी वगैरह आपके पास अवेलेबल है तो हम इसको रख सकते हैं। इसके बाद में मोड रहेगा क्या रहेगा, बाई रोड यहाँ से हम सेलेक्ट कर देंगे। व्हीकल का नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। व्हीकल टाइप क्या चीज है इसको हम आवर कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ डिटेल आ जाएगी आपकी ई इनवॉइस से रिलेटेड डिटेल। तो अब यहाँ पर अगर आपने टैली सॉफ्टवेयर आपने इसको पोर्टल के साथ अटैच किया हुआ है, तो ये सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके सामने आएगी।
या फिर बिल टू प्लेस, शिप टू प्लेस, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन रहने वाली है। एंटर प्रेस करेंगे, बाकी राउंड ऑफ हम इसको करते हैं, एक पैसा ऑटोमेटिक ये राउंड ऑफ हो गया। एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को भी हम एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे लिख रहा है डू यू वांट जनरेट ई इनवॉइस, तो अब जैसे हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये कहेगा भी आपने इसको ई इनवॉइस के लिए अटैच किया हुआ नहीं है, जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है वो हमारी यहाँ पर स्पेसिफाई हुई नहीं है, इसलिए वार्निंग देगा ये। तो अब ये हमने दो अलग अलग टाइप की सेल करी है, रजिस्टर्ड को और अनरजिस्टर्ड को। अब जैसे हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, कंट्रोल पी हम चलते हैं, प्रीव्यू पे हम जाएंगे, तो इस प्रीव्यू के अंदर हम देखेंगे एल्ट जेड करके थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं, तो यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम, उसके बाद में जो हमारा कस्टमर है उसकी डिटेल्स, आपका इनवॉइस का नंबर, ईवी बिल से रिलेटेड डिटेल्स, और यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमने फिलअप करी थी वो आ जाएगी। अगर ये हमारा ई इनवॉइस भी बना होता है इसके साथ में अटैच में, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्यूआर कोड भी आता और आईआरएन नंबर भी जरूर यहाँ पर मेंशन होता। और उसके बाद में स्टॉक आइटम से रिलेटेड अगर डिटेल की बात करें तो आइटम का नाम यहाँ पर आ चुका है, एचएसएन कोड आ चुका है, जीएसटी की परसेंटेज आ चुकी है, क्वांटिटी आ चुकी है, जो हमारा रेट था वो आ चुका है, टैक्सेबल रेट सीजीएसटी एजीएसटी टैक्सेस में थी, टोटल वैल्यू बन गई। और इसके नीचे यहाँ पर प्रॉपर हमारी टैक्स का एनालिसिस भी हुआ हुआ है, तो यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम वेरीफाइड हो रहा है सारा, और यहाँ पर कस्टमर के लिए भी सील एंड सिग्नेचर का भी ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से हम इन छोटी छोटी बातों को पूरा प्रॉपर सेटिंग करके हम एक कंप्लीट टैक्स इनवॉइस है जो टेली सॉफ्टवेयर में से बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना।